चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर। मैं इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट पर मौजूद हूं और मैं इस वक्त कश्मीरी गेट के मेट्रो के स्टेशन के नीचे हूं और मेरे साथ हैं जो बिहार से दिल्ली घूमने के लिए आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं बिहार से नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और यहाँ मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज तो बिहार में तेजस्वी यादव की रैली थी, आप उसमें नहीं गए क्या? देखिए, तेजस्वी यादव का कोई बड़ा रोल नहीं है, रैली हो रही है, चुनाव सर पे तो रैलियाँ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों करेंगे। अच्छा, नीतीश के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नीतीश जी का स्टैंड सही नहीं होता है, पर अब सही जगह पे आ गए हैं। और पहले सही नहीं थे क्या वो? नहीं, पहले सही नहीं थे। ऐसा क्यों? ऐसा कि अब एक स्टैंड लेकर के वो चलते नहीं है, हमेशा पाला बदलते रहते हैं, तो उनका ये स्टैंड, उनकी ये छवि ठीक नहीं है जनता के बीच। पहले नीतीश ने अपनी खुद की सरकार बनाई थी, सरकार के बाद उन्होंने रिजाइन देने के बाद फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन करा, वो ये कहते दल बदलू सरकार है, हमेशा दल बदलते, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, दल बदल सरकार अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए हर कोई दल बदलू हो जाते हैं, पर हर इंसान को एक स्टैंड लेके चलना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए, राज्य के विकास के लिए काम करना चाहिए। अभी ये बताओ, आप अभी दिल्ली के अंदर रह रहे हो, दिल्ली के अंदर एक मामला जो चला हुआ है, अभी लोकसभा इलेक्शन है, आने वाले प्रधानमंत्री किसको देखना चाहोगे? हम तो मोदी जी के देखना चाहेंगे, मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल में अच्छा भारत का डेवलपमेंट हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है और तीव्र विकास हुआ है। बिहार में क्या करा मोदी जी ने? बिहार में भी मोदी, देखिए नीतीश जी और मोदी जी के साथ जब सरकार चली है तो बिहार में पहले लालू जी की सरकार थी, उस बदहाली से कैसे उन्होंने पार पाया, कितना विकास किया, हर जगह सड़क बिजली पानी की समस्या को दूर किया। किसी लालू जी की बता रहे हो या नरेंद्र मोदी जी की बता रहे हो? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी के साथ जब सरकार में थे तो अच्छा विकास किए। बिहार के अंदर तो बहुत सारे दिक्कतें ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि भाई जो के अभी जो मुख्यमंत्री जी बने हैं, नीतीश कुमार जी बने हैं, वो कह रहे थे मेरे को पहले आरजेडी काम करने नहीं देती, ऐसे क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आरजेडी काम नहीं करने देती, हाँ ये है कि आरजेडी के साथ जब रहते हैं तो आरजेडी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार कौन? भ्रष्टाचार आरजेडी लालू जी के मंत्री हैं, लोग हैं, अब वो उनकी मिनिस्ट्री में मनमानी करते हैं तो भ्रष्टाचार थोड़ा उनमें ज़्यादा है। अब चलो दिल्ली के बारे में बताइए, दिल्ली के अंदर क्या खासियत है जो आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो, बताइए? दिल्ली के अंदर खासियत तो यह है कि अब लोग बाहर के लोग यहाँ इसलिए आते हैं, रोज़गार की यहाँ सुविधा है, बिहार में तो उतना रोज़गार है नहीं और ना कोई सरकार अभी तक उस पहलू पे काम किया है कि हाँ इंडस्ट्री लगाए, ठीक है, तो लोग उपार्जन के लिए अपने खर्च बढ़ाने, अपने खर्च को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आते हैं दिल्ली, काम करते हैं। बिहार से चलकर दिल्ली लोग आते हैं काम करने के लिए, आप ये कह रहे हैं ना बिहार में बहुत अच्छा कर रखा नरेंद्र मोदी ने, क्या नहीं, अगर वो ऐसा करते तो दिल्ली में लोग काम करने क्यों आते? देखिए, अब 10 साल अभी इनका सरकार हुआ है, धीरे धीरे तो कार्य हो रहा है, पर जितना बदहाली था अब एकदम से तो इतना नहीं हो सकता ना, बाकी हाँ प्रयास हो रहा है। कहाँ हो रहा प्रयास? हर ट्रेन भर भर के आती है वहाँ से, बिहार से दिल्ली आने के लिए। देखिए प्रयास कहाँ, ये बताइए, प्रयास हो रहा है वो तो आप कह रहे हो ना? एकदम से देखिए प्रयास हो रहा है, थोड़ा उसमें समय लगेगा। दिल्ली के लोग बाहर काम करने नहीं जाते, बल्कि बिहार के लोग दिल्ली में काम करने आते हैं, आप ये कह रहे विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा विकास ही बताइए ना मुझे। देखिए दिल्ली एक मेट्रो शहर है, दिल्ली पूरी राजधानी है, पूरे देश का एक मेट्रो शहर है, एक बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ तो एक बिहार का क्या, हर स्टेट के लोग आते हैं, हर स्टेट के लोग यहाँ काम कर रहे हैं और रह रहे हैं।
नहीं, मेरा ये कहने का मतलब आप ये कह रहे हो ना दिल्ली, मतलब जो बिहार में जो नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा काम करा है और बिहार के लोग दिल्ली के अंदर का अगर अच्छा काम, लालू जी से अच्छा काम किया है, लालू जी से अच्छा काम किया है, लालू जी ने थोड़ा, लालू जी पहले उनके जो मिनिस्टर थे भ्रष्टाचार में ज़्यादा थे, और लालू जी भ्रष्टाचार थे ये बताते, हाँ लालू, हाँ थोड़ा भ्रष्टाचार में वो ज़्यादा थे, पर अब उम्मीद करते हैं तेजस्वी जी क्या क्या घोटाले करेंगे, क्या क्या घोटाला किया था लालू जी ने तो बताओ। घोटाला तो आपको पता ही है, चार भी आप भी बता दो, अलकतरा घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए थे, 10 साल की जेल भी तो काटी उन्होंने, काटी तो देखिए 10 साल की जेल बहुत उसका थोड़ी हो जाता है कि हाँ। आइए हमारे साथ और भी लोग, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो दिलीप सिंह है। अच्छा दिलीप सिंह जी, अच्छा दिलीप सिंह जी कहाँ से हो आप ये बताइए? हम तो बिहार से हैं। अच्छा आप भी बिहार से हो, आप ये बताइए दिल्ली के अंदर आप आए हो, आपको दिल्ली की क्या खासियत अच्छी लगी बताइए? दिल्ली में तो सिर्फ वो रोजी रोटी कमाने के हिसाब से आना पड़ता है, और बाकी राजधानी है तो बहुत कुछ सुविधा, देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के अंदर लोग ये कहते हैं कि भी चाहे किसी स्टेट से लोग आते हैं वो दिल्ली के अंदर रुकते हैं, दिल्ली के अंदर अपना रोजगार करते हैं, रोजी रोटी भी कमाते हैं, पर मतलब ये कहना है कि लोग कुछ कहते हैं कि दिल्ली के मतलब बिहार से या कहीं से भी ट्रेन भर भर के आती है, और मोदी जी कहते हैं कि मैंने हर स्टेट में मतलब अच्छा काम करा, रोजगार के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब कुछ किया है, उसके बारे में क्या कहोगे अभी बताइए? नहीं, ऐसा है कि मोदी जी जब तक वहाँ पर NDA की सरकार, अब कभी NDA की सरकार रहती है, कभी लालू जी की सरकार रहती है, तो इससे जो है वो उतना बड़ा मतलब जो है विकास नहीं हो पा रहा है। पहले नीतीश की सरकार चल रही थी, हाँ की सरकार चल रही थी, उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब जिस समय सरकार थी, उस समय NDA की जब सरकार थी, तब उस समय जो है वो लालू के रीजन के बाद जो है काम बहुत बढ़िया हुआ था, सारी सड़कों वगैरह का पूरी जाल वगैरह बिछे थे बिहार में, और अच्छा विकास हुआ था उस समय, और लोगों को देखने में भी अच्छा हुआ था, तभी जो है दूसरा इनिंग नीतीश कुमार को मिला था NDA के साथ। उसके बाद जो है वो नीतीश कुमार की छवि जो है वो थोड़ा ख़राब हुआ, कभी दूसरे लालू कुनबे के साथ जाने में, और कभी इंडिया लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में ये कहते हैं, जो भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं वो मतलब एक तरफ का लोटा होता है ना, कभी इधर कभी उधर, बेपेंदी का लोटे हैं वो नीतीश जी, बेपेंदी का लोटा, हाँ जो जिधर मर्जी होते हैं उधर ढुल जाते हैं। अभी उन्होंने अपनी खुद की सरकार बंद करने के बाद अभी तो उन्होंने BJP ज्वाइन करा, उसके बारे में टोटल वहाँ पर जो है नो नीतीश और नो तेजस्वी, टोटल NDA सरकार, भाजपा सरकार होनी चाहिए तभी बिहार का विकास होगा, जब केंद्र की सरकार के निगरानी में बिहार सरकार जब चलेगी, भाजपा की सरकार रहेगी तभी बिहार में विकास होगा, वहाँ बदलाव तभी होगा संभव। अभी जब उनकी शुरू में BJP की जब सरकार चल रही थी उसमें क्या विकास कर रही है बताइए? उसमें बहुत वो अपना एक तो क्या बोलते हैं सड़कों वगैरह का काम तो अच्छा खासा हुआ, फिर बिजली में भी अच्छे खासे काम किए हैं ये जो सेंट्रल सरकार है, और ये नल जल योजना जो है हर घर में, हर गांव में, लोगों के घरों में पहुंचे हैं, ये केंद्र की योजना है वो पहुंचा है वहां पे, फिर इस समय वो फ्री राशन योजना भी है वो भी लागू है वहां पर, तो वो उससे बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, बाकी किसान के मामले में भी किसान निधि जो मिलता है उससे भी लोगों को मिला है, उसके पहले नरेंद्र मोदी सरकार से पहले किसी भी सरकार ने कुछ देने की कोशिश नहीं किया किसी को कुछ भी देने की, आपकी नज़र में नरेंद्र जो BJP की सरकार बेस्ट है? अभी कम से कम कुछ समय के लिए तो अभी वर्तमान में जो है बेहतर सरकार जो है अभी तक की सरकारों में बेहतर सरकार में नरेंद्र मोदी बढ़िया सरकार है। अच्छा मेरे एक सवाल ये बताइए, जो नरेंद्र मोदी जी की आप ये कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी बेस्ट सरकार, अभी जो दिल्ली के अंदर की, दिल्ली के बारे में कुछ जानते हो आप? हाँ दिल्ली में जो है वो दिल्ली में भी अच्छी सुविधाएं हैं, यहाँ पे भी क्या खासियत है दिल्ली के अंदर ये बताइए? दिल्ली की खासियत तो यही है कि यहाँ पर लोगों को रोजी रोजगार वगैरह ये सब सुविधाएं यहाँ पे मिलते हैं, तभी लोग दूसरे राज्यों से आकर करके पलायन वगैरह करके यहाँ दिल्ली में गुजर बसर करते हैं, यहाँ ये खासियत है यहाँ पर। बाकी राजधानी है, राजधानी को लेकर करके भी कुछ है।
अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, मेरे की क्वेश्चन आपसे ये बताइए, जो दिल्ली के अंदर अभी जो वेस्ट मतलब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की बीजेपी और आम आदमी, मतलब पंजाब में भी आम आदमी है, तो ये अगर मान लो बिहार के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ना चाहें तो आपको कितना सपोर्ट करोगे बताइए आप? बिहार में वो केजरीवाल को नो सपोर्ट है वहाँ पर, और केजरीवाल को और भी कई स्टेटों में कोई नो सपोर्ट है बिल्कुल, इसलिए कि जब अभी आपने ये कहा था, अभी आपने मुझे ये कहा था कि भाई जो दिल्ली सरकार है वो बेस्ट है। नहीं, केंद्र सरकार की बात कहा है, केंद्र सरकार का जो योजनाएं हैं दिल्ली में भी लागू है वो बढ़िया काम है, बाकी केजरीवाल की सरकार में वैसे जो फ्री वगैरह बसें वगैरह इन्होंने लेडीजों के लिए किया हुआ है, चाहे मान लीजिए कि सही है गलत है, फ्री बिजली हो चाहे पानी हो, ये सब जो है वो गलत चीज़ें हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट को भी इस पे खजाने पे बोझ पड़ता है, काफ़ी उसके ऊपर जो है कर्मचारियों को रखना पड़ता है, उसको वो सैलरी देना पड़ता है कुछ, तो आखिर के लोगों को रोजी रोटी दे रही है ना। हाँ, लोगों को रोजी रोटी वैसा वो कर्ज को ऊपर देने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा ये है कि केजरीवाल साहब जो है थोड़ा बहुत वो कुछ ना कुछ जो है आम जनता से वो लें, थोड़ी बहुत राहत दें, थोड़ा बहुत कम किराए में लोगों को सफ़र कर दें, किराए का जो बसों का किराया है ये सब जो है थोड़ा बहुत माइनस में डाल दें, लेकिन ज़्यादा मतलब जो है वो फ्री बांटने से वो नुकसान ही है देश को। नहीं, दिल्ली के अंदर 10 साल से सरकार बना रखी है आम आदमी पार्टी ने और वो पहले फ्री की चीज़ बांट रहे हैं, तो ये बताइए मुझे फ्री की चीज़ लोगों में जो दिल्ली की जनता वो फ्री की चीज़ लेने में उनको मतलब अच्छा लगता है, तो ये अगर बिहार में आ जाए तो आप क्या कहोगे बताइए? बिहार में भी ऐसा वो उन्होंने ऐसा काम करने की कोशिश की तो उससे देश का कभी भला नहीं हो सकता, फ्री की चीज़ें बांटने के ऊपर जो फ्री कल्चर है, रेबड़ी कल्चर है, इससे देश का भला नहीं हो सकता है, इसलिए कि जब आर्थिक बोझ जब देश के ऊपर पड़ता है तो उससे देश दिवालियापन ही होगा। तो अच्छा, दिल्ली के अंदर से सबसे अभी जो वो चला हुआ है ऑप्शन है कि मतलब अभी इन्होंने NDA और कांग्रेस और आम आदमी ने गठबंधन की सरकार चल रही है, तो आप किसको सपोर्ट करोगे? वो ये केंद्र सरकार के लिए वो वोटिंग है और केंद्र के लिए वोटिंग के ऊपर जो है वो मोदी सरकार ही बेस्ट है, जो राष्ट्रीय लेवल पे जो राष्ट्रीय हितों को लेकर देखा जाता है, देश की रक्षा के मामले में हो, चाहे देश की विकास के मामले में हो, चाहे विदेश नीति के मामले में हो, मोदी जी से बेहतर कोई नेता नहीं इस समय। अगर मान लो EVM से इलेक्शन EVM और ब्लैंड पेपर से इलेक्शन होते हो तो आप EVM को सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? नहीं, हम EVM को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्यों? EVM बेहतर है, बेहतर मशीन है, वो भी जांच पड़ताल करके आया हुआ है देश में, अगर वो गलत होता तो अन्य राज्यों में विपक्ष की सरकारें ने जीती होती, कई जगह तो सरकार बनी हुई है ना विपक्ष की भी। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि EVM में कोई खराबी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, वो विपक्ष जो है हाय तौबा करते रहता है, बाकी विपक्ष की भी कई राज्यों में सरकारें हैं, सभी जगह पर BJP की सरकारें तो है नहीं जो कि आरोप लगा सकते हैं, अगर आरोप लगाते हैं तो ये निराधार है, गलत। मेरे एक क्वेश्चन ये बताइए, EVM का जो मुद्दा है अभी हर स्टेट में चला हुआ, EVM लाओ, EVM हटाओ, EVM हटाओ, अगर EVM हट जाए तो अगर ब्लाइंड पेपर से इलेक्शन होते हो तो किसकी सरकार बनेगी बताइए मुझे, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। अगर EVM भी वो अगर हट जाए और पेपर पे अगर वो चुनाव हो बैलेट पेपर पे तो उससे भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव होता है लोकसभा का और इसमें मोदी जी का जो है वो बेहतर वो है योगदान है देश के ऊपर, इसीलिए जो है आम जनता का वो पसंदीदा नेता है, पूरे भारतवर्ष का पसंदीदा नेता है। अभी ये बताइए, एक जैसे मान लो दिल्ली के अंदर अभी मतलब उन्होंने LG जो बिठा रखा है केजरीवाल के सिर के ऊपर बिठा रखा है, केजरीवाल जी कहते हैं मुझे LG काम करने नहीं देता, उसके बारे में क्या कहोगे?
नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एलजी में नहीं काम करने, इसलिए कि राज्य सरकार बिजली पानी का जो बिजली पानी का जो बिल आया है 1.5 लाख रुपए बिल आया है, तो उसके बारे में केजरीवाल सरकार कह रही है हमें, मतलब बीजेपी सरकार ने इसके इतना बड़ा घोटाला कर रखा है, इतने सारे जो 1-1 लाख रुपए बिल कम नहीं होते क्या, ये बताइए। नहीं, ये बिजली और पानी जो है ये राज्य सरकारों का वो देन है, यहाँ वो राज्य सरकार के अंडर में आता है, बिजली हो या पानी हो, अगर 1.5 लाख रुपए बिल दे उसका, उसके बारे में क्या कहोगे ये बताइए मुझे पहले। अब ये पता नहीं कि किस लोगों को 1.5 लाख रुपए का बिल, क्या पता हो सकता है कि फ्री कल्चर की वजह से जो है एक बार बिल आ रहा होगा लोगों को फ्री करने की वजह से, तो इसलिए जो है फ्री कल्चर ठीक नहीं है देश के लिए, देश के लिए नुकसान है। मतलब आने वाले, मतलब सरकार जो दिल्ली के अंदर से सरकार चली हुई अरविंद के लिए, वो सरकार गलत है। नहीं, कुछ हद तक वो दिल्ली के लिए, आम जनमानस के लिए वैसे दिल्ली सरकार भी ठीक है। केजरीवाल सरकार गलत है या गलत है बताइए। केजरीवाल सही है। कहाँ पे सही है बताइए, मतलब इनका ये कहना कि केजरीवाल जो सरकार वो फ्री की जो चीज़ बांट रही है वो सही है गलत है? बिल्कुल सही कर रहा है वो। तो ये क्यों कह रहे हैं गलत है? अपनी अपनी सोच है ना। आप कहाँ से हो सर ये बताइए? हम तो बिहार से हैं। अच्छा, आप भी बिहार से हो। आज बिहार में तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी रैली है जिसमें 20 लाख लोग आए हुए हैं, और आप दिल्ली के अंदर हो, तो क्या ये बताइए तेजस्वी की जो सरकार है वो सही है गलत है? हम तो यही चाहते थे, दुआ करते थे कि उनका सरकार 5 साल चले। अच्छा, जब से देश आज़ाद हुआ है ना तब से आज तक, चाहे बीजेपी की सरकार भी चल रही है, 10 साल हो गया मोदी जी का पूरा कार्यकाल हो गया। अभी जो सर गठबंधन हुई थी, नीतीश कुमार जी ने खुद रिजाइन देने के बाद उसने बीजेपी ज्वाइन करा, तो आप ये बताइए बीजेपी ज्वाइन करने के बावजूद उन्होंने, नीतीश सरकार अपनी जगह सही है गलत है? नहीं, नीतीश जी सही है, सरकार तो बनाना ही है, बाकी आज जितने बेरोजगारी है, लोग कहते हैं नीतीश जी सही नहीं है। नहीं, नीतीश जी सही हैं, अपने जगह पे बिल्कुल सही है, वो बिहार के लिए उनसे बढ़िया कोई लीडर है नहीं। अच्छा, क्या खासियत नीतीश जी में बताइए? नीतीश जी इतना विकास के काम कर रहे हैं, हर घर नल जल योजना वाला किए, अपना क्या कहते हैं वो जो गंगा का जल जो पहुँचाए घर घर पहुँचाए, वहाँ फाल्गु नदी में डैम बनवाए, बिजली हुआ हम लोग के क्षेत्र में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से, रेलवे लाइन वो चालू करवाए, सब कुछ हो रहा है। अभी अभी ये बताइए दिल्ली के अंदर आप अब किस वक्त खड़े हो, आपको दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चली हुई है उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार गलत है और कुछ लोग कहते सही है, मतलब सही है, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? केजरीवाल तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जैसे दो बंदे हैं, मियाँ बीवी है, कहीं बाहर कमरा में कहीं किराए पे कमरा लेके रह रहे हैं, उनको आने जाने का किराया बच जाता है लेडीज़ का, तो उनको कमाने खाने के लिए इससे बढ़िया और क्या है। मतलब लोगों में दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री की खाने की आदत पड़ी हुई है, मतलब कहना ये की आदत नहीं पड़ी है, उनका जो बस भाड़ा बच रहा है, बिजली का बिल बच रहा है। अब बसों की हालत देखते हो, बस के अंदर जो सफर करते हो अभी बताइए। हाँ, करते हैं। मतलब बस के अंदर सफर करने बाद क्या, मतलब आपको चीज़ महसूस होती है बताइए मुझे? नहीं, सब कुछ बम बम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो हमेशा अभी एक महीना ड्यूटी करके आया, गांधीनगर से यहाँ आए, हम फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो उन्होंने एसी बस वगैरह चलाई हुई है दिल्ली के अंदर, वो बस मतलब जो चल रही है उनकी, वो बस जो रूट वगैरह सुविधा वगैरह सब कुछ सही है ये बताइए? हाँ, बिल्कुल सही है, इतना बेहतरीन सर्विस तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, सबसे बेस्ट सरकार है अरविंद केजरीवाल की? बिल्कुल बेस्ट सरकार। अगर ऐसी सरकार अगर बिहार में आ जाए तो आप क्या करोगे? बिहार में तो नीतीश जी है ही है। एग्जाम्पल पूछ रहा, अगर आ जाए तो? देखिए, बिहार और यहाँ में फ़र्क है ना। कितना खुश हो गए मुझे ये बताइए। नहीं, बिहार के लिए नीतीश जी ठीक है, यहाँ के लिए केजरीवाल ही ठीक है। मतलब केजरीवाल को आपको आपको बिहार में नहीं चाहिए, मतलब ये कहना है आपका? नहीं, केजरीवाल नहीं चाहिए बिहार में। ऐसा आप अभी केजरीवाल जी के गुनगा रहे थे? ऐसा है ना, केजरीवाल साहब का यहाँ राजस्व है, यहाँ इनकम है, सब कुछ है। उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई अभी? नहीं, कहाँ पंजाब में। हाँ, पंजाब की तो बेकार सरकार है। बेकार सरकार है वो, मतलब बेकार चल रहा है, तो इसीलिए मतलब आप बिहार में ले जाने नहीं चाहते उसको? नहीं, मतलब दिल्ली के अंदर रहने के, दिल्ली के अंदर रह के आप दिल्ली, मतलब उसकी कह रहे हो कि केजरीवाल बेस्ट है, अगर वो बिहार में नहीं आना चाहिए, मतलब ये कहना आपका? विकास नहीं हो सकता। नहीं, दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ही बढ़िया है। मतलब क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? विकास दिल्ली में नहीं हो सका फ्री कल्चर की वजह से। ये केजरीवाल जी जो फ्री कल्चर जो सेवा कर रखे हैं लोगों को, जो फ्री बांटने की कोशिश जो किया है, उससे दिल्ली में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। लोग तो कहते हैं विकास तो बहुत है दिल्ली के अंदर, मतलब बसों में एसी बस में फ्री जाना, फ्री आना,
फिर ये? नहीं, विकास नहीं है दिल्ली में, नहीं एमसीडी की तरफ से भी कोई विकास नहीं है और दूसरे की तरफ से भी कोई विकास। केजरीवाल तो ठोक ठोक के कह रहे हैं मैंने एमसीडी में जाने के बाद तो मैंने दिल्ली की हर चीज सफाई कर रखी है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और एमसीडी की तरफ से भी जो है किसी प्रकार की कोई विकास नहीं, ना कोई कहीं पटरियों का निर्माण है, ना कहीं कोई पाइपलाइनों का निर्माण है, ना कहीं कुछ है। एमसीडी की तरफ से भी काम बिल्कुल बंद किया हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है, जगह जगह गंदगी फैला हुआ है। जो एमसीडी बीजेपी की सरकार थी जो उस टाइम काम हो रहा था, उस समय काम हो रहा था। अच्छा। कम से कम उस समय जो है वो रोड की पटरियां वगैरह जो है उस समय निर्माण होता था, उस समय बनते थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो पटरियों का काम बिल्कुल बंद है, कहीं कोई पटरी को निर्माण नहीं हो रहा है, बंद है हर जगह। केजरीवाल सरकार ये कहती है दिल्ली के अंदर मैंने तमाम जो छोटा है एरिया चाहे बड़ा एरिया हो मैंने हर जगह गली मोहल्ला रोड वोड सब कुछ चमका रखा, आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल ने अभी कुछ काम नहीं करवाया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो बताइए? नहीं, कोई काम वो नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ हाँ ऐसा एक एरिया बताइए जहाँ पे केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे। काम ये आप ये देख लीजिए, इधर अपना जो है मोरी गेट हो चाहे कश्मीरी गेट हो चाहे और भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है जगह जगह वो गंदगी जो है वो रहता है इकट्ठा, तो इसलिए जो है वो ठीक नहीं लगता। जब वो जो कि राजधानी क्षेत्र है, ये राजधानी क्षेत्र में ऐसी गंदगी का अंबार नहीं होना चाहिए, सड़कों की साफ़ सफाई और व्यवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अभी कश्मीर गेट इलाके ले, कश्मीर गेट में तो कुछ सब कुछ चमका हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो गलत है? नहीं, वो सब जगह चमका हुआ नहीं है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर वो गंदगी है, सफाई नहीं है कई जगह पर। बाकी जो है कई जगहों पे वैसे जाम जुम भी वो रहते हैं गाड़ियों की पार्किंग वगैरह से भी, जगह जगह उसकी भी सुविधाएँ उतनी नहीं है ठीक। दिल्ली के अंदर ऐसी तमाम चीज़ हैं जो मतलब लोगों का ये कहना कि केजरीवाल सरकार अपना अच्छी तरह काम नहीं कर रही है और काम की वजह तो ये कहते भी कहीं भी ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, हर जगह गंदगी मौजूद है। पहले भी बीजेपी की जब सरकार थी एमसीडी के अंदर तो काम अच्छा कर रही थी, इनका जो कहना है। आइए हमसे दोबारा इनसे बात करते सर, एक मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर जो पहले एमसीडी में जो बीजेपी की सरकार थी तो उसने ऐसा कौन सा एरिया जिसने चमका रखा, तो उस एरिया का नाम बता दें मुझे पहले। उस समय वो फिर भी जो है कई इलाकों में जो है, मुझे एरिया का नाम बताइए सर आप। एरिया जो है ये ठीक था, इधर भी अपना क्या बोलते हैं जैसे पुराने दिल्ली इलाकों में जो है जगह जगह जो कई जगहों पे जो वो रहता है वो गंदगी वगैरह फैला हुआ रहता है, तो वो सब जो है नहीं था पहले, लेकिन अब जो है कई जगहों पे दिखता है कि वो रहता है और उसका वो ध्यान वो केजरीवाल कि नहीं मेन उनका जो है वो कर्मचारियों का मतलब जो है वो निगरानी करना चाहिए, अफसरों को देखना चाहिए कि जगह जगह जो है वो व्यवस्था है या नहीं। बाकी ये राजधानी क्षेत्र है, अगर वो केजरीवाल जी अगर बढ़िया अगर वो काम करेंगे तो उन्हीं का नाम होगा, बढ़िया काम करेंगे तो व्यवस्था सही बनेगा। अच्छा ये बताइए आने वाली सरकार में केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनेगी नहीं बनेगी, मुझे बता दें, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। नहीं, केजरीवाल जी अपने जगह पर वो भी ठीक है, जो भी है कई चीज़ों को उन्होंने सुधार भी किए हैं कई जगहों पर। जैसे कौन सी जगह चीज सुधार करिए? हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल हो गए और स्कूलों वगैरह में उन्होंने अच्छी खासी ध्यान दिए हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, काम कुछ चीज़ों में ठीक भी किया है। बसों में भी वो बसें नई डाले हैं, बसों में भी साफ़ सफाई वगैरह वो सब बेहतर चीज़ें हैं, तो काम में उनका भी मतलब इस मामले में कोई ऐसे दिक्कत है, कुछ चीज़ें जो है वो अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है। सर आप तो ये कह रहे हो कि केजरीवाल सरकार जो मतलब सही भी है और गलत भी है, तो ये मतलब पूरी तरह से वो सुधार नहीं है दिल्ली के अंदर, अभी बहुत चीज़ें उनको अभी सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा अगर दिल्ली में अगर सरकार बनती है तो किसका चेहरा देखना चाहोगे आप, ये बताइए मुझे पहले, बीजेपी या आम आदमी? देखिए हमारे लिए वो दोनों वो सेम बराबर है, बीजेपी भी और वो केजरीवाल भी, जिसकी भी सरकार बनेगा हम वो वोटों के हिसाब से जो है उसको सपोर्ट करेंगे। अगर केजरीवाल अगर वो केजरीवाल की पार्टी अगर आगे जाते हुए अगर दिखाई देगा, अगर उनकी मेजोरिटी ठीक नज़र आएगा तो उनको सपोर्ट करेंगे, नहीं अगर वो सपोर्ट में अगर नहीं रहेगा
तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो केजरीवाल ने वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो ठीक नहीं किया, इसलिए कि कांग्रेस भी वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, उसके भी कई नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन नेताओं के नाम तो बताओ एक बार। वो वैसे कई नेता उनके भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जब उनका मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, राहुल गांधी जैसे लोग वो हैं लिप्त है, उसमें कई पे मुकदमे दायर हैं, कई चीज़ों की जांच पड़ताल चल रही है, तो इस हिसाब से जो है वो अभी फिलहाल जो है कांग्रेस के साथ जो है वो गठबंधन करके सरकार चलाना अच्छी बात नहीं है उनको, केजरीवाल जी को। मतलब जहाँ तक आपका ये कहना है केजरीवाल जी ने गठबंधन की सरकार चल रही है, वो चलेगी नहीं, वो सिर्फ अभी इस समय के लिए वो गठबंधन है, बाद में ये पता नहीं कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, गठजोड़ रहेगा या नहीं रहेगा, चुनाव के बाद क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। अच्छा, लोकसभा में या अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है दिल्ली के अंदर, इनकी जो सरकार बनेगी ये बताइए, आपका जो मेरा दो एक तो नरेंद्र मोदी एक राहुल गांधी, तो किसको देखना पसंद करोगे आप बताइए? वो इस समय जो है राष्ट्रीय लेवल का वो लीडर जो है वो नरेंद्र भाई मोदी ही हैं। अच्छा। हाँ, उन्हीं को जो है वो देश हित में जो है वो नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करना चाहिए। पर लोग तो कहते हैं नरेंद्र मोदी काम अच्छा नहीं करते। अगर नहीं करते नरेंद्र मोदी, अगर काम नहीं किया होते तो फिर उनको इतने NDA की कई गठबंधन साथी क्यों रखे होते? अगर उन्होंने काम किया है तभी तो आम जनमानस जो है उनको दो रीजन में पहले चुना है और तीसरे रीजन में भी। उनके पास तीन हथियार हैं, इसलिए तो काम चल रहा है सारा। हाँ, तीन हथियार हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जनता हथियारों के बदौलत नहीं चलती है, जनता अपना मत देती है, ठीक है, जब वो जनता का मूड जो होगा उसी आधार पे वो चुनाव होता है। हाँ, ये बताइए मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करा, दिल्ली भी जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें आने वाली सरकार को अंदर राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नहीं, ओनली फॉर नरेंद्र भाई मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी। चलो, तमाम चीज़ ऐसी हैं जो लोग यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की, पर वो उनका ये कहना है कि भाई मेरे लिए सबसे बेस्ट है अरविंद, जो मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं और आने वाली सरकार में उन्हीं की सरकार देखना चाहेंगे। मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़ पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।